जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बनाते हैं। गाइज मैं आज आपको बताऊंगी कि भरवा करेला कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान सी ट्रिक से आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना सकें। बहुत ही टेस्टी लगते हैं भरवा करेला, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो चलिए बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। 500 ग्राम करेला लिए हैं और 2 आम लिए हैं, कच्चे प्याज लिए हैं, बड़े बड़े साइज के प्याज हैं, और 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, और 1 छोटी चम्मच जीरा, और 1 बड़ी चम्मच हल्दी ली है। इन सभी को पीस लेंगे और लहसुन की कलियां, कुछ और लहसुन नुकाएंगे, अभी थोड़ा ही निकाला है लहसुन, ये गट्ठा है इसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करेला काटेंगे। तो इन करेला को पहले इनके छिलका इस तरह से चाकू से ऐसे साफ कर देंगे। देखिए इस तरह से छील लेंगे। अगर चाहें तो इनका ये छिला हुआ डाल सकते हैं सब्जी में, अगर ना चाहें तो नहीं भी, मैं नहीं डालूंगी। अब करेला को बीच से काट देंगे, देखिए इस तरह से, और इनके बीज निकाल लेंगे। बीच से निकाल के बाहर कर देंगे, इस तरह हाथों से निकाल लेंगे। आसानी से निकल जाते हैं बीज करेला के, एकदम आसान ट्रिक से मैं गाइस आपको बताऊंगी कैसे करेला की सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। इसी तरह से और भी काट लेंगे, इनको इस तरह से छील लेंगे। देखिए हमने करेला के सारे बीज निकाल दिए हैं और छिलका भी इनका ऊपर से साफ कर दिया है। देखिए हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे मैंगो इस तरह से, इनके इस तरह से ये बना लेंगे ग्रेट कर कर। आम इसलिए डाल रहे हैं कि आम से करेला का कड़वापन दूर होता है और खट्टा स्वाद भी आता है, टेस्टी लगते हैं करेला, कम कड़वे लगते हैं। प्याज को हम साफ कर लेंगे और इनके लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे प्याज के। प्याज और करेला हम अभी धो ले रहे हैं पानी से। प्याज को हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे इस तरह से, इस तरह से काट लेंगे सारे प्याज। गाइस देखिए मैंने प्याज काट लिया है सारा, देखिए इस तरह से सारे मैंने लच्छे से बना लिए प्याज के। प्याज से भी करेला कड़वे नहीं लगते और टेस्ट अच्छा आता है। सौंफ और जीरा को हम पीस ले रहे हैं, इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह पानी डालकर। गाय में 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसी में पीस ले रही हूँ, पीस के डालूंगी हरी मिर्च। धनिया और हल्दी भी इसी में डाल के पीस लेंगे, एक मसाला बने। देखिए हमने 10 से 11 लहसुन की कलियां इसी में पीस लेंगे। लहसुन पीस लिया है, अब हम मसाला कटोरी में रख ले रहे हैं। हमने प्याज में ये कच्चे आम की कैरी इस तरह ग्रेट करके डाल लिया और इसी में हम मसाला ये डाल देंगे। और देखिए ये हमने 5 चम्मच चीनी ली है, इतनी बड़ी चम्मच है। चीनी से ये होता है कि करेला बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। डाल देंगे 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च डालना चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं पाउडर, मैंने ग्रीन चिली डाली है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें सरसों का तेल डाल लेंगे। सरसों का तेल डालने से भी कड़वापन नहीं रहता है करेला में, उतना डालेंगे जैसे हम सब्जी बनाते हैं उसमें तेल डालते हैं, उसी हिसाब से मिला लेंगे। आप यकीन मानिए कि करेला बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत ही टेस्टी। अब देखिए ये सारी हमने मिक्स कर लिए फिलिंग, अब भर देंगे इस करेले में, खूब अच्छी तरह से फिलिंग भर देंगे कि करेला कहीं से कड़वे ना लगे। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं करेला, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। ये करेला अच्छी तरह से फिल कर लेंगे, देखिए मैंने बिल्कुल भर दिया है, और इस कढ़ाई में रख देंगे और इसी तरह से करेला और भर लेंगे और खूब अच्छी तरह से भर देंगे। देखिए हमने प्याज और ये मसाला सारा करेला में भर दिया, बचा हुआ ऐसी के ऊपर रख दिया है।
और इसी में हम पानी डालेंगे कि करेला अच्छे से पक जाए। 1.5 कटोरी हो गया पानी। अब इसे ढककर रख देंगे, चूल्हे पे रख के पकाएंगे। आग हमने जला ली है, अब कढ़ाई को चूल्हे पे रख देंगे और इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, करेला पक जाए। करेला को करछुली से हिलाकर बीच बीच में देख लें कि तली में लग ना जाए, तो इस तरह से हिला दें और देख लें एक दो बार गले हैं कि नहीं, अभी टाइट है। फिर अभी ढककर रख दे रहे हैं करेला। देखिए करेला पक गए अच्छी तरह से, हमने इन्हें काट के देखा है, नाखून से कट रहे हैं, तो अब हम इन्हें उतार ले रहे हैं। एक बोल में परोस के रख लेंगे। देखिए हमने बोल में निकाल लिए हैं करेला। हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसमें फ्राई करेंगे करेले, भरवा करेला। खूब सा तेल डालेंगे, उसमें अच्छी तरह से पकाएंगे करेला को। ना हमने तेल लिया है, सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हमने ये लहसुन की कलियां 8 से 10 थी वो काट कर आधे पीस में कर लिए, इसी में डाल देंगे। और तेज पत्ता एक डाल देंगे। देखिए लहसुन भुन गया है, अब हम ये भरवा करेला इसी में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह भूनेंगे। डाल दे रहे हैं करेला को, अच्छी तरह से भून लेंगे चारों तरफ से घुमाकर, अच्छे से फ्राई हो जाए करेला। देखिए इसी में हम गरम मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, इस तरह से चारों तरफ से पक जाए करेला। देखिए गाइस करेला अच्छे से फ्राई हो गए, हमारे भरमा करेला बनकर तैयार हो गए। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार ले रहे हैं। आप भी इसी तरह से भरवा करेला की रेसिपी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम सर्व करके रख रहे हैं एक बोल में करेला को। इस तरह भरवा करेला बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी लोग खाएंगे भरवा करेला। देखिए कितने बढ़िया बने, जितने तेल में फ्राई होंगे उतने ही अच्छे बुनेंगे करेला। भरवा करेला को रोटी के साथ, पानी की चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है करेला। इसी तरह से ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं करेला। गाइस अगर आपको हमारी भरवा करेला की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।